नमस्कार, मैं हूँ सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं चंद्र न्यूज। वक्त हो गया है खबरों का। एंड्रॉइड फोन यूजर सावधान, जोकर वायरस फिर से बाहर आ गया है। इस बार इस डीसी कॉमिक्स के समान रूप से प्रिय और घृणास्पद चरित्र नहीं है, बल्कि एक खतरनाक वायरस है जो चुपचाप लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। कुख्यात जोकर की वापसी को बेल्जियम की पुलिस ने देखा, जिसने चेतावनी दी थी कि यह केवल एंड्रॉइड डिवाइसों पर हमला करता है और गूगल मार्केट प्लेस पर उपलब्ध विभिन्न ऐप में छुपा होता है। गूगल मार्केट प्लेस को प्ले स्टोर के नाम से जाना जाता है। काफी सरलता से वायरस यूजर्स को उनकी सहमति के बिना पेमेंट सर्विस की सदस्यता देता है और धीरे धीरे उनके बैंक खातों को खाली कर देता है। बेल्जियम के अधिकारियों के अनुसार जोकर वायरस 8 प्ले स्टोर एप्लीकेशन में पाया गया है, जिसे अब गूगल ने हटा दिया है। शुक्रवार को प्रकाशित एक बयान में बेल्जियम के अधिकारियों ने जोकर को दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम कहा। क्विक हिल के शिकायतकर्ताओं के मुताबिक जोकर एसएमएस, कंटेंट लिस्ट, डिवाइस की जानकारी, ओटीपी समेत यूजर्स की कई जानकारियां चुराता है। यूजर्स को इसकी भनक तक नहीं लगती। जब यूजर्स अपने बैंक अकाउंट या अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस चेक करते हैं तो उन्हें खाली नजर आता है। जोकर मेलवेयर ने 2017 में अपने पीड़ितों को अलग अलग एप्लीकेशन में छिपाकर लूटने की अद्वितीय क्षमता के लिए प्रमुखता हासिल की। क्लासिक गूगल शैली में कार्रवाई थोड़ी देर से की गई और इसके रक्षा तंत्र ने अधिक यूजर्स के संक्रमित होने से पहले जोकर को ले जाने वाले 1700 एप्लीकेशन को हटा दिया गया। तो ये थी हमारी आज की खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।